ठीक है वेलकम टू पॉक ब्रिलियंट डायमंड एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आर को यूज़ करने वाले हैं इवन तो हम लोगों ने एक एपिसोड के अंदर आर को कैच किया था बट मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया था तो हाँ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आर के इसको यूज़ करने वाला हूँ एंड इसकी पावर्स भाई मैं देखना चाहता हूँ भाई कितनी है इसकी पावर्स इसी कारण से इसको अपने जिम मैचेस में यूज़ करेंगे और हम अपना फिगर आउट करें ये कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा तो पहले भाई मैं अपने फर्स्ट जिम लीडर के पास से आया हूँ बिकॉज सबसे कम लेवल इसी की परफॉर्मेंस की होगी वैसे हाँ इनकी पॉफोमेंस की लेवल कम नहीं होगी अब क्योंकि मैं थर्ड टाइम बैटल करने जा रहा हूँ जिम से मैं दो बार ऑलरेडी कर रखा है तो लेवल एट्टी के आसपास इनकी परफॉर्मेंस की लेवल होनी चाहिए या वो देखते हैं एंड क्या हम लोग इसको डिफ़ीट कर पाएंगे एंड आर की पावर यहाँ से भाई हम लोग देख सकते हैं कितनी है चलो भाई आर केस जरा इसकी पावर देखी जाए ओके उसका साइंस स्ट्रीम भाई ये हम लोग परेशान कर सकता है बट चलो कोई नहीं आर केस ओके सिक्सटी एट है ये एंड लेवल हंड्रेड हम लोग अच्छे खासे मूव्स में वाटर पल्स मारने जा रहे हो इसके सामने ये भाई काम भी करना चाहिए वैसे तो वैसे एक्चुअली उतना काम नहीं किया मैं नेक्स्ट मूव शायद से यहाँ पे अर्थ कोक यूज़ करूँ भाई मुझे वही लग रहा है यूज़ करना पड़ेगा मुझे तो और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा इफेक्टिव होगा इसके सामने भाई इसे डैमेज होना चाहिए एक्चुअली उससे डैमेज हुआ अर्थ कोैक से और हम लोग भाई सेफ़ जोन में पहुँच चुके हैं मेरा भी चालीस हजार के लेवल हंड्रेड नहीं है बाकी सारे स्टार्ट लेवल हंड्रेड के मेरे मेरे पास मगीनियम नहीं है स्टार्ट में बाकी सारे स्टार्टस है मेरे पास और ये आरकेज़ के मॉड यूज़ कर रहा हूँ पी के अंदर ये मैं स्विच पर नहीं खेल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए ओके okay, प्रोवो पास आ रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग स्विच नहीं करेंगे मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि मैं आके इसके साथ ही बैटल करूँ मैं दूसरे बॉक्समैन को यूज भी ना करूँ इसके पास क्या लेविटेड एबिलिटी है आई एम नॉट श्योर मेरे ख्याल से नहीं होगी भाई भाई नहीं है एबिलिटी लेविटेड ठीक है ये हमने बचे हुए हैं ये क्या वन इट हो गया या फिर एक एच पी पे सर्वाइव करिएगा ये सर्वाइव ये कर करिएगा भाई एक एच पी पे ऐसा नहीं होना चाहिए बट इसके पास लाइक आइटम था वो बॉडी प्लेस भाई नहीं होगा डैमेज आई एम डैम श्योर ओके एक्चुअल डैमेज हुआ इससे सुपर इफेक्टिव था इसके सामने ड्रॉप ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे में तो भाई हम लोग फर्स्ट जाएंगे तो एक और अर्थ को एक मेरे ख्याल से ये फिर से ना अब पोर्शन यूज करने वाला है रॉक तो भाई नहीं किया पोशन यूज ओके तो ये अच्छी बात है फिर तो मैं वॉटर बॉल्स मार देता हूँ इसके ऊपर चलो भाई कोई नहीं फिर वो पैस फेंट इसके दो पॉक्यूमेंट जा चुके हैं अभी चार और पॉक्यूमेंट है इसके पास तो भाई देखते हैं वो चार पॉक्यूमेंट भाई क्या कर पाते हैं नेक्स्ट है रैली कैंड अच्छा रैली कराने के सामने भाई रुको मैं आर के इसको यूज़ करूँगा मैं स्विच करके दूसरे पॉच में यूज़ कर सकता हूँ जो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे एग्जाम्पल में तुम सेप्टाइल को इंक्लूड कर सकते हो लेकिन मैं इसके साथ ही अभी जाना चाहूँगा अभी तो भाई देखते हैं इसका मैं जजमेंट अभी बचा के रख रहा हूँ मे बी यहाँ पर बाद में यूज़ करें बट या यहाँ पर तो अर्थ भाई बहुत मस्त काम कर रहा है रॉक के तीन पॉक्चमेंट फेंट हो चुके हैं एंड आर के भाई अपने आप पर टिका हुआ है ये बहुत ही अच्छी बात है अब इसका येलो जोन में आज आ जाएगा आरकिस्ट का एडेक्टाइल कि अ नर्व इसके पास एबिलिटी है कोई बात नहीं भाई मेरे पास भाई एक ही मूव है वाटर पल्स में दिख रहा है मैं जजमेंट के साथ भी जा सकता हूँ लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगा ना बात तो वो भी है ओके वाटर पल्स मारते हैं भाई फिर देखते क्या होता है वाटर पल्स से अच्छी खासी डैमेज हुई लेकिन ये मुझे भी फेंट कर सकता है मुझे ऐसा लग रहा है ओके स्टील ट्रॉक भाई एडेक्टाइल फेंट होने वाला है अब मैं पॉके में स्विच करने भी नहीं वाला इससे स्टाइल ट्रॉक यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा एक वाटर पर्स यूज़ करते हैं एंड भाई कहानी खत्म यहीं वहीं पर क्या ऐसा होगा भाई ऐसा ही हुआ एयर डकटेल फेंटेड अब इसके पास दो और पॉकिबॉन है राइट दो या एक और पॉकिबॉन है मेरे पास दो ही होना चाहिए उसके पास पॉकिबॉन वही दिखते हैं अब मुझे आरके उसके ऊपर हील करना होगा मुझे ऐसा लग रहा है एलमेल्डो ठीक है एलमेल्डो बर्ग एंड रॉक टाइप का होता है क्या या बर्ग एंड ग्राउंड टाइप का बर्ग एंड रॉक होगा मेरे ख्याल से तो, तो वाटरफॉल्स वही एक ही दिख रहा है मुझे तो अटैक वही यूज़ करूँगा मैं तो फिर और क्या चलो एर्माल्डो इसका बग टाइप मे बी इसको बचा लिया भाई बचा लिया उसको कन्फ्यूज तो हो गया इससे बहुत अच्छी बात है ये भाई बेरीज भी है इसके पास ऐसा नहीं करना ना तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार मैं हील कर लूँ यहाँ पे ड्राइन यूज कर रहा है ठीक है ब्राइन से चांसेस है भाई चांसेस कुछ नहीं है चलो सैन स्टॉम गया अच्छी बात है ये और मैं इस बार हील करता हूँ पहले तो हील अभी जरूरत है भाई हील की तो ओके जब इसको हील करें हम लोग मैक्स पोर्शन से अब यहाँ पे एक वाटर्स या फिर मैं अर्थक्यू के साथ जाऊँ इस बार भाई अर्थ को एक के देखते हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा ट्राई करने में क्या जाता है भाई ओके अर्थ को ऐसे डैमेज हुआ मेरे ज़्यादा डैमेज हुआ एज कम्पेयर टू वाटर पुल्स लेकिन वाटर पुल्स से कन्फ्यूज है वो अच्छी बात तो स्टोन हैच भाई इससे डैमेज होगा इससे नहीं हुआ उतना डैमेज कमॉन मुझे लगा था इसे डैमेज होगा बट चलो अच्छी बात है ये भी भाई आर अच्छे फॉर्म में लेकिन फुल रिस्टोर यूज़ कर ही दिया इसने और कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल गया ठीक है अब यहाँ पर मैच फिर से इवन बन रहा है बट कोई नहीं हम लोग के पास दो टर्न होगी अब तो दो टर्न में मेरे ख्याल से मैं इसको आराम से इसको फेंट कर दूँगा तो भाई अब देखते हैं ओके यहाँ पे वाटर पर्स मैं ही फास्ट हूँ ना भाई मैं ही हूँ हाँ मैं ही फास्ट हूँ चलो बहुत अच्छी बात है ये आर किस ने फेंट कर दिया एलमेल्डो को भी अब इसके पास एक पॉक्यूम और है या वो देखते कौन सा पॉक्यूमेन होता है मेरे ख्याल से कोई रॉक टाइप टेप योगकोर्स या रॉक चीम में तो रॉक टाइप पॉक्यूमन ही होना चाहिए और रैम फायर ठीक है निकालो भाई रैम फायर को फिर देख ही लेते इसको भी ये इसका असली टर्म कार्ड पॉक्यमॉन है बट या क्या मैं इसको फेल्ड कर पाऊँ भाई सेवनटी टू है ये भाई ओके कोई बात नहीं लेवल सेवनटी टू है ना तो इसको मैं अर्थ क्विक मानने जा रहा हूँ इसके सामने ठीक है भाई अर्थ क्विक से क्या डैमेज होगा मैं सोच सोचा लास्ट वो मैं जजमेंट मारूँ नहीं ये तो ऐसी फेड हो गया भाई जजमेंट की जरूरत भी नहीं भरा भाई आर केस पावरफुल है इन गेम भी तो मानना पड़ेगा इसके छी पॉकमिन को आर केस ने डिफ़ीट किया है चलो भाई ये भी सही बात है बहुत ही आसानी से मैंने इसको हरा दिया भाई अच्छे स्टोन स्टिकर दिए इसने यह स्टिकर्स का मैं कुछ करता भी नहीं हूँ और रुको मैं यहाँ से पहले बाहर निकलता हूँ भाई ये सब इन लोगों का ट्रेन में बैठे मुझे नहीं करना है और मैं यहाँ पे एक और जिम चैलेंज करने वाला हूँ हम लोगों ने भी फर्स्ट जिम चैलेंज किया अब मैं सीधे जाने वाला हूँ एट जिम के अंदर या वहां पर थोड़ी पर्जल्स है तो वो मुझे सॉल्व करना होगा तो भाई वो भी देख लेंगे एक बार लेकिन यार सनी शो सिटी में चलते हैं एंड हम लोग अपने एट जिम को भी फाइट करते हैं एक बार यहाँ से हम जो आर की पावर थोड़ी बहुत लाइक अंदाजा लगा सकते हैं भाई कितनी है एक पहले मैं हील हो लूँ भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बस हम लोग आर के तो खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से ये जिम थोड़ा तो टफ हो सकता है आर के के लिए देखिए इसके पास अर्थ क्वेक है ये शायद से इसको बचा ले तो भाई अर्थ क्वैक अपने सबसे बेस्ट मूव यहाँ पे होने वाला है और मेरी टीम में अभी तीनों के तीनों शिनो स्टार्टर्स है तो यार वो भी अच्छी बात है मैंने कभी इनको साथ में यूज़ नहीं किया था मैंने बस एक बैटल टावर में इसको यूज़ किया था एक बार नीचे नहीं कहाँ पे होता है जी जिम तो कॉर्नर में होता है ना चाहता मुझे याद आ रहा है तो फिलहाल के लिए तो मैं जिम के आगे पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी मुसीबत ये है कि इनका पजल्स भाई सॉल्व करना होगा बट कोई नहीं वो तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से तो मैंने इसको ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया अब बस मैं जिम के पास जाना है लीडर के पास आई मीन ओके जिम लीडर के पास हमें पहुँच चुके हैं चलो भाई हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मैं एक बार टीम अपने देख लूँ भाई आर में सबसे आगे है ना ओके आर में सबसे आगे है तो उसी से हम लोग अभी बैटल करेंगे और वर्कनर आर यू रेडी मैन ओके हमने इसमें डिसअपॉइंट इस पर ऑफकॉर्स नहीं करने वाले हैं वैसे मैंने इसको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है मैं दो बार भाई इसको हराया है लेकिन या इस पर थर्ड टाइम भी इसको हराया जाए है एक बार इसके पास में छह पॉक्समैन है एंड इसकी लेवल भाई सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये सबसे हाइस्ट लेवल वाला जिम लीडर है ओके पहली पर इसका पहला पॉक्समन भाई देख रहे हो हम लोग का यहाँ पर यूज़ होने देगा नहीं ये तो पहली पर के लिए क्या मेरे पास कोई मूव है इसके पास डीजल पी एबिलिटी है वॉर टाइप ऑफ जो मूव है उसकी लाइक यहाँ पावर बढ़ जाएगी मैं सोच रहा हूँ रेको मिटोर के साथ जाने के लिए चलो भाई देखते हैं रेकोमिटी इतना डैमेज होता है डैमेज तो होगा इससे भाई इतना तो मैं कन्फर्म हूँ एंड या भाई देख रहे हो तो इसके एनिमेशन रेकोमिटोर की ये बात ना पहली पर भी हाइड्रो पम्प यूज़ कर रहे हैं ठीक है भाई कर ले भाई कर ले बस फेंट मत करना तो मैं भी इस बार सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे वाटर पल्स यूज़ किया जाए अपना वेस्ट नहीं जाएगा वाटर पल्स की पावर बढ़ जाएगी यहाँ पे ड्रीजल के कारण लेकिन उससे डैमेज नहीं होगा ना सामने वाले बॉकिंग नहीं ऐसे है तो एक और रेकोमिटी से भाई डैमेज हुआ चाहिए एंड आई होप फेंट भाई नहीं हुआ फेंट कम ऑन इससे क्या होता है अपने स्टैट्स अटैक हार्शली फेल होते हैं इस कारण से तो कुछ नहीं हुआ भाई ये तो प्रॉब्लम है फिर वो क्या यू टर्न मार लिया उसने इसका मतलब नया पॉकटमोन आने वाला है ठीक है भाई रायचू को भेजते हैं एंड इसके पास भी वोल्ड स्विच है यही बहुत पार स्विच करता है तो मैं एक बार यहाँ पे अर्थविक मारने वाला वालों फिर भाई देखते यहाँ पे क्या होगा फोकस ब्लास्ट भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं करने का लेकिन यार राइचू भाई फेंड फेंट ना कर दे हम लोग को यही मुझे डर है बस रायचू इसका वन ऑफ द बेस्ट पॉकिन है या बेस्ट तो नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट है बट क्या राइचू फेंट अब इसके पास भाई अभी भी पांच पॉक्समन है वह अर्थ को एक काम करेगी एक्टिव टाइप पॉक्सुमन के ऊपर लेकिन प्रॉब्लम तो ये है इसके जो दूसरे पॉक्यूमेन्नस है वो भाई मेरे को देख लेंगे मैं जजमेंट मारने वाला हूँ भाई भाई ये देखते हैं यहाँ पहली पर फेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ भाई फेंट क्या बोलूँ भाई मैं इसको अब यू टर्न एक और नया पॉक्यूमैन आएगा मुझे हील करना चाहिए भाई मुझे ऐसा लग रहा है अब देखो कौन सा पॉक्समैन आता है एंड क्या मैं फास्ट हूँ मेरे ख्याल से मैं ही फास्ट हूँ लैंड टर्न भेजा है तो अर्थ को क्या इसके ऊपर काम करेगा भी भाई वॉल टाइप भी है ना है इलेक्ट्रिक बन जाता है ये ठीक है चलो मैं अर्थक्विक मारने वाला हूँ यहाँ पर अर्थक्विक भाई काम करना चाहिए एंड फेंट ये बात ना भाई ऐसा होना चाहिए हर पॉक्ट में लेकिन ऐसा तो फेंट होने वाला है नहीं वो भी अलग बात है देखो पहली पर बहुत परेशान कर रहा है इसको भाई निकालना बहुत ज़रूरी है और ये फिर से फुल स्टोर ना यूज़ कर लिया भाई वही एक डर है तो मैं फिर से क्या यूज़ करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं फिर से जजमेंट के साथ जा रहा हूँ एंड इसने यूज़ कर लिया भाई फुल स्टोर दो बार इसने यूज़ किया इसके ऊपर चलो भाई कोई नहीं मुझे भी पोशन यूज़ करना चाहिए था अभी तो बट चलो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे पास मौका है अभी पोशन यूज़ करने का मैं पोशन अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको मुझे फेंट होने नहीं देना है अभी फ़िलहाल के लिए तो मैक्स पोशन आर के एस पे चलो भाई क्या अब मैं कर सकता हूँ उसके पहले हम लोग को मूव देखना होगा हाइड्रोपम्प डैमेज नहीं होगा इससे तो इतना लेकिन यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है कोई नहीं जानता है ओके नहीं हुआ रेंज स्टॉप ये बहुत ही अच्छी बात हुई भाई नहीं तो यार पहली पर बहुत परेशान कर रखा था तो मेरे ख्याल से मेरे पास कोई मूव है क्या और भाई एक्चुअली नहीं है मेरे पास मूव जीक्यू मीटियोर पर उससे अपना जो अटैक है वो बहुत ही हार्शली फेल हो जाता है अब देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ मैं यहाँ पर जो अपने स्टैट्स फेल हुए हैं उस कारण से मैं यहाँ पर सेप्टाइल को स्वैप करूँगा और सेप्टाइल से मैं कोई मूव यूज़ नहीं करने वाला मैं सेप्टाइल को फिर से स्विच कर दूँगा आरके एस में इस कारण से अपने जो स्टैट्स लाइक डिडक्ट हुए हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे हाइड्रोपम्प ठीक है भाई यूज़ कर लें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका हाइड्रोपम वेस्ट जाएगा कमॉन वेस्ट जाएगा ही भाई चलो ये भी सही बात है ओके अब मैं फिर से आरके को निकालने वाला हूँ आर किस वे आर यू ये रहे अपना आरकिस्ट और या भाई तो रिस्पेक्ट लेना चाहिए आर किस को ये हरिकेन यूज़ कर रहा था उसका फेल हो गया हरिकेन अच्छी बात है ये और या अब मुझे फिर से रिकोम्यूट यूज़ करना होगा अभी फिलहाल के लिए तो भाई चलो रिक्योम्यूटो ऑयल्स अपना देखते हैं हम लोग कितने इसको डैमेज कर पाएंगे फिर से अब भाई फ़ेंट कर दे बस ये बात ना चलो अपने स्टार्ट से आप नॉर्मल हो गए तो फेंट कर दिया इसने ये फिर से अपने स्पेशल अटैक बहुत ही हार्शली फेल हुआ है भाई ये भी तो प्रॉब्लम है मुझे कोई और मूव रिप्लेस करना चाहिए था रिकोम्यूटोअ की जगह पर और भी बहुत अच्छी अच्छी मूव से जॉल्टी ऑन आ रहा है भाई ये तो वन इट है ये एक्चुअली वन इट है अगर मैं अर्थ को एक लाइक डैमेज दे पाया तो लेवल सिक्सटी एट ही है ये तो ये वन इट होना चाहिए मेरे ख्याल से तो भाई देखो मैं फास्ट हूँ ऑफकॉर्स मैं फास्ट हूँ एंड एक अर्थ क्वेक भाई डैमेज दे, दे दे इसको बहुत अच्छी बात है ये जॉल्टी ऑन तो गया उसका अब यहाँ पर तो उसके पास दो पॉक्समन और है ना भाई दो ही होने चाहिए भी और लग्जरी आ रहा है ठीक है ये इसका बेस्ट पॉक्समन है क्या भाई वन ऑफ द बेस्ट तो ये भी है सेवेंटी लेवल है तो इसका ये बेस्ट पॉक्समैन नहीं है इसका इलेक्ट्रिक वायर है मेरे ख्याल से इसका सबसे स्ट्रॉगेस्ट पॉक्यमॉन चलो भाई वो अलग बात है देखते अभी एक और अर्थ क्विक इसके सामने मैं फास्ट टू जो सबसे अच्छी बात है मैं फास्ट टू ये भी ऑलमोस्ट वन इट था भाई इलेक्ट्रिक टैलेंट यूज़ कर रहा है ठीक है कोई नहीं हम इसको भी सह लेंगे भाई यहाँ पे कॉम्पटेटिव में ये सब काम आएंगे लेकिन इसमें शायद से ये काम आए ओके एक और अर्थ क्विक एंड भाई यहाँ पे काम खत्म लग्जरी का ये अच्छी बात है अब इसके पास एक पॉकिम और है जो इसका माना जाता है बेस्ट पॉकि है तो या उसके भी जरा हमने पावर देखे एंड क्या आर केस उसको हरा पाएगा ये भाई देखने वाली बात है ओके लेट्स सी इसके भी लास्ट पॉक्यूम एक्टिव आया जैसे मैंने बोला था तो वर्ल्ड ने का बेस्ट पॉक्यूम प्लर्स मेरा लेजेंड आर के लेजेंड आरके आर केस बाय द वे दर के वीडियो कल शाम से डालने वालों एंड कल शाम से वो लीगल हो जाएगा डालना तो यार मैं डाल सकता हूँ भाई कल शाम से एक लीगल वे के अंदर ओके ये भी सुपर इफेक्टिव एंड फेंटेड भाई सबसे बेस्ट बात है ये ये बात एंड क्या हमने डिफीट कर दिया इसको भाई मेरी ख्याल से हमने डिफीट कर दिया एंड देयर वी गो इजी पीसी नहीं इजी पीसी नहीं इसके पहली पेट ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया बट ये कोई नहीं अपने यहाँ आर है तो भाई तुम क्या ही बोल रहे हो तो मैं एक्चुअली यहाँ से बाहर तो आ चुका हूँ लेकिन या हम लोग ने आर के एस पावर सबसे स्ट्रॉगेस्ट टीम इस लीग के अंदर इस लीग थी इस लाइक इस इस, इस गेम के अंदर सबसे स्ट्रॉगेस्ट टीम एंड सबसे वीकेस्ट टीम के अंदर हम लोग यूज़ किया आरके एस को जहाँ पर यह एक्चुअली आप इफेक्ट करा था और भी मेरे ख्याल से जिम है जैसे बायोन का जिम फैंथीना की जिम इन सब जिम में यहाँ पे आर केस शायद से फर्स्ट आए लेकिन अब फिलहाल ये तो आर के एस की पावर को हमने जज किया लाइक काइंड ऑफ जज किया तो बोल सकते हो लेकिन वो अलग बात है एंड आर के एस का इवेंट भी आया आर के एस के अंदर इसके अंदर हम पकड़ सकते हो उसको एक्चुअली लीगल वीक के अंदर तो या मैं उसको भी ट्राई करने वाला हूँ तो भाई वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और ये बाय द वे तुम लोग लाइक दो वीडियो को एंड अगर तुम लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर लेजेंट आर के की गेम तो तुम लोग कल से देखने को मिल जाएगा और या अब मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए दिस इज सेट कैलेक्सी साइनिंग आउट